नमस्कार दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। मैंने अक्सर देखा है कि नंबर सिस्टम जो है वो एक तो हम भूल जाते हैं या फिर हमारे जो आइडियाज हैं वो क्लियर नहीं हो पाते। इसलिए भूल जाना तो आम बात है और बार बार उसे याद करने से वो हमारे माइंड में फिट हो जाती है और पीछे जाकर हम तो किताबें तो नहीं देखते। तो इसलिए ये छोटा सा वीडियो इस पर बनाने की मैंने सोची। अक्सर डिग्री के जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी ये नंबर सिस्टम याद नहीं होती है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है। जानते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वो जंगलों में रहते, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो गुफाओं से हुआ है और धीरे धीरे हमने इतना सारा डेवलपमेंट किया है। तो जब हम केव्स में रहते थे और जब हमारा सिविलाइजेशन शुरू हुआ उस वक्त और वो दौर में जब काउंटिंग करने की बारी आई तो हमने वो गुफाओं में लाइनें खींची पाई हैं। जब हम वो पुरानी गुफाओं को देखते हैं तो वहाँ पर ऐसे कुछ रेखाएं खींची हुई हमें वहाँ पर मिली है। तो इसका मतलब ये था कि जैसे ही गुफा से बाहर जाएंगे, एक उनका जो जानवर उनके पास जो भी पालतू जानवरें होंगी या फिर आदमी होंगे, जो भी कुछ होगा, एक बाहर गया तो उसके लिए उन्होंने एक लकीर खींची, दूसरा बाहर गया तो दूसरी लकीर खींची। ऐसे करते करते जो नंबर्स यानी जो सिस्टम डेवलप हुई है, जो नेचुरली पैदा आई है, उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल ये स्टार्ट होता है यन वर्ड से, इसलिए हम इसको यन से डिनोट करेंगे। एंड ये जो सेट है, ये सेट पहले शुरू होता है 1, 2, 3 और लाइक दिस, इसीलिए ये सेट को हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन दूसरी दिक्कत ये पैदा हुई कि कुछ नहीं है, इसके लिए हम क्या करें। तो जो नहीं है उसके लिए हमने जीरो का इस्तेमाल करना शुरू हुआ, जो कि हम सब जानते हैं ये हमारे देश की, ये पूरे वर्ल्ड को ये सिंबल जो है ज़ीरो, ये जो कंसेप्ट है ज़ीरो और ये जो नंबर सिस्टम है ये हमारी देन है। तो जब इसमें ज़ीरो लगता है, ज़ीरो एंड ऑल दी नेचुरल नंबर्स, तो इसे हम होल नंबर कहते हैं। यानी ये पूरी सिस्टम हुई जिसमें कुछ नहीं है तो उसके लिए भी हमने इसको इसमें एक नंबर का रिप्रेजेंटेशन दिया है और ये आया ज़ीरो से। फिर इसमें हमने माइनस भी जोड़ दिया है। जब हम इस नंबर को माइनस से जोड़ते हैं, प्लस और माइनस 1, प्लस और माइनस 2, प्लस और माइनस 3 इनफाइनाइटली, देन ये जो सेट बनता है इसको हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। और ये जो सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको या तो जेड या फिर आई से डिनोट करते हैं। ये जो जनरली दिस आर द सिंबल्स विच आर यूज, ये जो जनरल सिंबल है जो इस चीज़ में ये सेट को रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखे जाते हैं, ये जेड और आई है। अब बारी आती है कि कैसे हम ऐसी चीज़ों को दर्शाएं, जैसे हाफ है, हाफ को कैसे दर्शाया जाए, आधी रोटी है, इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, या फिर समझो एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो ऐसे 1 to 1 तो नहीं पड़ेगा, 1 to 2 तो डायरेक्टली नहीं हो जाएगा। तो पहले कुछ पॉइंट जो आएंगे उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो दूसरा जो चीज़ इस्तेमाल हुई है जिसे हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर कहा है,
और ये सेट ऑफ रैशनल नंबर हम क्यू से डिनोट करेंगे और एंड ये बनते हैं इसे पी डिवाइडेड बाय क्यू एंड कंडीशन पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. सो दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ रैशनल नंबर. तो देखिए अब इसमें क्या होता है, जैसे वन डिवाइडेड बाय टू यानी ये वन को टू से डिवाइड करना है. जब हम वन को टू से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है क्वोशंट 0.5. यानी यहाँ पे डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो गई है. और अगर हम दूसरा नंबर ले लें 1 डिवाइडेड बाय 3 तो हम देखते हैं जब 1 को हम डिवाइड करते हैं 3 से तो जो नंबर है ये 3 3 3. सो प्रोसेस जो है वो इनफाइनाइटली चलती रहती है और ये जो नंबर डिजिट है 3 वो रिकर हो जाता है यानी बार बार दोहराता है अपने आप को. तो ये दो तरह की डिवीजन होती है, या तो इसमें ये डिवीजन में 0 मिलता है या फिर जो नंबर है वो बार बार आते रहते हैं. तो जो नंबर इस तरह के होते हैं या तो ये डिवीजन प्रोसेस टर्मिनेट होनी है यानी टर्मिनेट यानी 0 मिलना है हमें रिमाइंडर में, और या फिर कुछ नंबर रिकर होते हैं. ऐसा नहीं है कि एक ही डिजिट रिकर होना है, जैसे यहाँ पे 3 रिकर हुआ है तो हो सकता है 2 डिजिट रिकर हो, 3 डिजिट रिकर हो, 4 डिजिट रिकर हो, लेकिन रिकरिंग चालू रहती है यानी बार बार वो नंबर आते रहते हैं. तो ऐसे जो नंबर होते हैं ये आते हैं कैटेगरी अंडर रैशनल नंबर. लेकिन कुछ ऐसे नंबर है जिन्हें हम जानते हैं, फॉर एग्जांपल 22 डिवाइडेड बाय 7, हम सबने ये नंबर को जाना है और इसे हम 3.14 शॉर्टली रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन जो 22/7 की है, ये ना तो 0 मिलता है रिमाइंडर में या फिर ये जो डिजिट है ये रिकर होते हैं, यानी हर डिजिट के बाद अलग डिजिट हमें मिलता है. तो ये जो ऐसे नंबर है ये रैशनल नंबर नहीं होते हैं, उसके लिए हमने अलग से सेट बनाया है और इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स. अब ये जो इरेशनल नंबर है, जैसे हम अलग दूसरा नंबर ले लें अंडर रूट ऑफ टू इज आल्सो, हाँ ये जो नंबर है ये भी इरेशनल नंबर है, ये पी बाय क्यू के अंडर नहीं आता है. दूसरा नंबर जो हम लेते हैं ई यानी 2.7 डैश 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 और इनफाइनाइट टाइम चलता है. तो ऐसे जो नंबर है इसका हमने अलग से सेट बनाया है और इसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर्स. देखिए हमें रैशनल नंबर का सेट मिला, दूसरा इरेशनल नंबर का सेट मिला, तो ये दोनों को जोड़ के रैशनल एंड इरेशनल को जोड़ के हमने बनाया है सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें सेट ऑफ रियल नंबर्स में पूरे नंबर आते हैं. जैसे n नेचुरल नंबर हुआ, नेचुरल नंबर में हमने जोड़ा 0 तो होल नंबर मिल गया, होल नंबर में हमने जोड़े माइनस नंबर तो इंटीजर बन गए, इंटीजर में हमने जो पी बाय क्यू यानी पॉइंट्स वाले नंबर जोड़ दिए, फ्रैक्शन नंबर जोड़ दिए, इसमें इंक्लूडिंग इंटीजर तो हमें रैशनल नंबर मिल गए. रैशनल नंबर में कुछ कमियाँ थी, जैसे कि हमने देखा है कि 1/2 यानी कंप्लीट डिवीजन होता है या फिर डिवीजन में रिकरिंग प्रोसेस होती है. तो रिकरिंग और कंप्लीट डिवीजन इसके बावजूद जो नंबर आते हैं उसको हमने इरेशनल नंबर बोला, और रैशनल एंड इरेशनल को जोड़ के रियल नंबर सिस्टम बना है. तो रियल नंबर में सिस्टम में क्या है, रैशनल एंड इरेशनल बोथ टाइप ऑफ नंबर्स, क्यू एंड इरेशनल नंबर्स. इसके आगे भी हाँ देखते हैं कि जो रियल नंबर है उसमें हमने कुछ इमेजिनरी पार्ट को जोड़ दिया है और हमारी आगे सिस्टम बनती है कॉम्प्लेक्स नंबर. ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारी आगे वाली सिस्टम है. इसमें हम देखते हैं कि व्हेन दिस वाई इज़ ज़ीरो, ये जो वाई अगर हम 0 लेते हैं तो हमें
ये x मिलता है यानी x यानी रियल नंबर। यहाँ पे बोथ x एंड y, ये x एंड y दोनों के दोनों रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पर जो ये जो पार्ट है वो i की वजह से इमेजनरी हो गया है, यानी i जो है i की वैल्यू हम रहते हैं i यानी अंडर रूट ऑफ माइनस वन। तो इस तरह से हमारी नंबर सिस्टम जो है वो धीरे धीरे डेवलप हुई है, और ये डेवलपमेंट में हमें हज़ारों साल लगे हैं। तो ये जो हज़ारों साल की चीज़ें हैं हमें धीरे धीरे समझ लेना है, और समझ लेने के लिए हमें बार बार इसको देखना है। तो मुझे आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हेलो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।